तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गेमिंग एंड द गेमिंग चैनल में। वैसे आज हम लोग का टारगेट ये है कि जो हमारा घर है उसको हम बनाएंगे, नहीं तो इन लोग किराया देना पड़ता, रोज का एक एमरल्ड लेते थे यार ये लोग, और मुझे देना भी पड़ता था। चल झूठा, अब मैंने बस निश्चित कर लिया है कि अब मुझे अपना घर बनाने, और वो जो घर है ना इतना घसप का बनाऊंगा ना भाई, इतना घसप का बनाऊंगा ना लोग देखते रह जाएंगे। वैसे जो मेरा घर है ना उसके लिए बहुत सारी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। वैसे प्लैंक का यूज़ नहीं करूंगा, डायरेक्ट लकड़ियों को छील दूंगा, उन्हीं को मैं यूज़ करूंगा। प्लस मैं ग्लास बनाऊंगा, यानी एक फुल ओपी मॉडर्न हाउस बनने वाला है। वैसे मैं पहले ये कौन से ये व्हाइट वाले बोर्ड है इनको तोड़ लेता हूं, और फिर उसके बाद जो डार्क वुड का भी मेरे पास जंगल जस्ट बगल में है भाई, यानी कि पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। और सामने सैंड तो है ही, हम लोग डेजर्ट में है ही, वहाँ से हमको ग्लासेस मिल जाएंगे, उसको फर्नेस में डालेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, अब हम और भी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। Finally, जंगल तो पूरा साफ हो गया, और यहाँ पर मैंने जगह भी प्लेन करनी, क्योंकि अब यहाँ पर ये मेरा बेस है, अब यहीं पे मेरा जो है ना घर बनने वाला है। और यहाँ जो दो चार ब्लॉक और रखे हुए थे जो व्हाइट स्टोन वाला जो है, तो उसको भी मैंने हटा दिया है, और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की थी उसको भी मैंने हटा दिया। तो अब बस अब सीधे सीधे करना है अपने घर का श्री गणेश करना है, सीधे सीधे उसको बनाएंगे हम। तो सबसे पहले जो इनके पिलर हैं उनके पॉइंट्स को हम मार्क कर लेते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ना, तो फिर पूरा घर पूरा रीबिल्ड ना करना पड़ जाए। इसका सीधे सीधे फॉर्मेशन, ब्लॉक रखो फिर दो का गैप दो फिर ब्लॉक रखो, और अप वाले हाइट का क्या है कि हर एक तीन ब्लॉक के बाद एक और फ्लोर आएगा। तो ये वैसे ये मेरी जो बिल्डिंग है तीन फ्लोर की बनने वाली है, पर एक ग्राउंड फ्लोर रहेगा, वहाँ पर थोड़ा बहुत जो हमारे जानवर होंगे उनको रखेंगे। फिर मैं सोच रहा हूँ जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसमें मैं अपने सामान रखूंगा, स्टोरेज एरिया बनाऊंगा, या तो मैं ही खुद उसमें रहूँगा, और विलेजेस के लिए भी उसमें जगह बनाएंगे, इसलिए तीन फ्लोर है। तो फिर मार्किंग के साथ साथ आप चलते हैं, आप अपना घर भी बना लेते हैं। उससे एक बार देख लेते हैं मेरा कैलकुलेशन सही है कि नहीं, क्योंकि 5x5 का मेरे को बनाना है, तो आई थिंक सॉरी ये सिक्स ब्लॉक आ रहा है, तो इसको हटा देने तो भाई कैलकुलेशन थोड़ी बिगड़ जाएगी, फिर घर थोड़ा आगे बन जाएगा, क्योंकि एक और चीज़ स्पेशल चीज़ बनानी है। वैसे अब मैं इसके सामने सामने से वो बना देता हूँ, तो उसकी दूसरी तरफ भी, ताकि हाँ ये चलो हाँ 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। अब जस्ट इसके सामने मैं अपना एक ब्लॉक रख दूँ, वैसे एक ब्लॉक और रख देता हूँ, नहीं तो सही नहीं बैठेगा। वैसे वो सही है, थोड़ा सा बन जाएगा तो कोई बात नहीं। फिर उधर जो हमारा गाँव वो बनाया ना, हम लोग वीट फार्म बनाए, तो उसको हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे, वैसे हमको लग नहीं रहा कि उतनी जरूरत पड़ेगी। तो वैसे इधर की भी मार्किंग कर लेते हैं। और एक और चीज़ आपको बता दें कि भाई देखो 9 सितंबर से ना स्पेशल आने वाला है, रोज़ वीडियोज़ आने वाली है, तो उसके लिए चैनल को देखो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा घर अगर ये आपको बहुत अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कर देना, फिर मैं समझ जाऊँगा कि मेरे स्ट्रक्चर करने के अंदर मेरी एबिलिटी है। तो लेट्स चलते हैं, वैसे फिलहाल के लिए घर को पहले जल्दी जल्दी से बना लेते हैं, फिर वो सीधे सीधे मिलते हैं करके बनने के बाद। बेसिक स्ट्रक्चर तो बन चुका है, अब मुझको यहाँ पर जहाँ जहाँ खाली दिख रहा है हर जगह ग्लास फिट करना है, और ग्लास की वैसे भी कमी नहीं, सामने हमारे पास डेजर्ट है, वहाँ से सीधे सीधे सारी ग्लास निकालने हैं हमको, और बस उसको फर्नेस में उसमें ग्लास ऑप्टेन हो जाएगा। वैसे यहाँ से वो जंप लगाना पड़ेगा, तो मैं अपनी वाटर बकेट निकाल लेता हूँ ना, फिर उससे बस मैं वही MLG करेंगे। MLG भाई प्रो है भाई, तो ऐसे नॉर्मली को डैमेज के लेना है, और ये मेरा MLG ये ये देख रहे हो, ये सामने आगे प्रो बंदा खड़ा भाई, प्रोएस्ट ऑफ द प्रो है ये, इससे भाई माइनक्राफ्ट कुछ नहीं है। तो इससे पहले अपने सैंड निकाल लेता हूँ, और फिर सीधे सीधे और सारे खाने को, मेरे को ये बहुत सारे सैंड चाहिए होंगे इसके लिए, तो इसके लिए प्रो ट्रिक लगानी भाई, एक खोदो नीचे टॉर्च लगाओ सारे अपने आप, क्यों मैं अपनी शवल को बर्बाद करूँ। ये लगाया, ओ सॉरी गलत जगह लग गया, पचका हो गया यार ये लगा, अरे ये लग क्यों नहीं रहा यार, चलो कोई बात नहीं भाई, इस बार पचका ना करा, ओह चलो लग गया, मैं तो यानी कभी कभी बात सुन लेता है भाई, इस बार पचका ना करा नहीं, ये भाई ये प्रो होता है भाई, देखो प्रो से कभी कभी गलती होती है, बस ये देखो क्या ये होता है भाई, सीधे सीधे पूरे सैंड हमारे पास सीधे यार, अब हमको ना शवल लगाने की पड़ रही जरूरत ना किसी चीज़ की, तो बस सीधे सीधे लगाने, और फिर उसके बाद हमको इसको लेना है फर्नेस के अंदर, और भाई बस फिर जानते हो बहुत कुछ, सीधे सीधे उससे हमको ग्लास ऑप्टेन होगा, और भाई मेरे ख्याल से मेरे का 2 से 3 स्टैक लगेंगे मेरे को यहाँ पर पूरे ग्लास लगाने के लिए। वैसे चलते हैं, आप इसको जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। फाइनली काम खत्म हुआ, बस ये टॉर्च लगा दे पूरा कंप्लीट है, नहीं तो फिर यहाँ पर ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाएंगे, तो फिर मेरे को ही परेशान करेंगे, ऊपर मैं तारे की जगह ज़ॉम्बी लोगों के पैर देखूंगा, तो ज़्यादा अच्छा कि भाई टॉर्च ही लगा दे। अब मेरे को यहाँ से नीचे उतरना है, तो भाई बस वही MLG वाली ट्रिक है, और भाई वी आर द प्रो पर्सन, आई एम द प्रोएस्ट ऑफ द प्रो, तो हम तो भाई MLG करके ही जाएंगे नीचे। तो जैसे हम लोग बल्टी लगा लगा के ऊपर चढ़ गए, वैसे सीधे सीधे बकेट करके सीधे एक जंप लगाएंगे। वैसे मैंने अपनी बालकनी किधर तरफ बनाई है, थोड़ा सा उधर ही से उतरना सही है, क्योंकि अब रात हो जाएगा नीचे जाएंगे ना, जो ज़ॉम्बी होंगे क्रीपर होंगे, यानी वो मेरे को सीधे सीधे डैमेज दे सकते हैं, तो मैं गिरने से तो नहीं जाऊँगा, लेकिन जो ज़ॉम्बीज होंगे ना बस वही मुझको डैमेज दे सकते हैं, और क्रीपर अगर फट गया बाई चांस तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं सब देखना पूरा प्रो वाले तरीके से कूदूंगा ये, और ये मैं खुदा
ये होती है सबसे बेस्ट प्रो ट्रिक, जिसमें आपको बिल्कुल डैमेज नहीं मिलने वाला है। ये मेरे ख्याल से सबसे उम्दा ट्रिक होनी चाहिए। वैसे अभी मेरे को गेट लगाने हैं यहाँ पर, वैसे यहाँ पर टॉर्च नहीं लगाता, रहने देता, क्योंकि बाहर तो बालकनी में टॉर्च लगी ना, वैसे अंदर के सारे पिलर में टॉर्च लगा दूँ, अंदर से भी खाल देखो पूरा रोशनी होनी चाहिए। और वैसे तो बाहर का भी तो बहुत गजब का रही है, यहाँ पर भी लगा देता हूँ और वहाँ तो जा नहीं पाऊंगा, तो चलो सीढ़ी से नीचे चलता हूँ। वैसे यहाँ पर एक ब्लॉक को सीढ़ी के ऊपर उठानी चाहिए, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो मैं उसको उठाता हूँ। और पहले टॉर्चेस लगाना भाई बहुत ज़रूरी है, अगर बाई चांस घर के अंदर ही अगर क्रीपर हो गया ना तो पूरे भाई। घर की जो बनाने की मेहनत करें ना भाई, सब बर्बाद हो जाएगी। वैसे तो वैसे स्केलेटन की भी आवाज़ आ रही है, पर आसपास कहीं क्रीपर ना हो, तो वैसे मैं फ्लोर ऊपर, तो उनको कोई सेंस नहीं होगा। तो वैसे सबसे पहले आई थिंक मेरे को यहाँ की सीढ़ी सही कर लेनी चाहिए, और फिर उसके बाद इसको पूरा सही से बनाना चाहिए। वैसे मेरे को लग रहा है कि सीढ़ियाँ मेरे को कम पड़ेंगी, तो मैं चलो फिर बाद में बनाऊँगा, अब मेरे को नहीं बनाना क्योंकि वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। The next day. तो प्यारी सुबह एक नए घर में हमारे, एक बहुत ही उम्दा लग रहा है, और वैसे तो यार काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। मैंने फिर क्या किया था कि सीढ़ियाँ वही लगाई, लेकिन मैंने अभी क्राफ्ट नहीं किया, और दरवाजे मैंने क्राफ्ट कर लिए क्योंकि वो भी ज़रूरी था, नहीं तो फिर भाई कोई ज़ोंबियों में सीधे सीधे अंदर आ जाएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे चलते हैं हम बाहर की तरफ, यहाँ पर मैंने ये प्रेशर प्लेट लगा दिए ताकि ऑटोमेटिक गेट हो जाए ना, सब कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए। वैसे मेरे को रास्ते में थोड़ी सी टॉर्चेस भी लगानी, वहाँ पर थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो क्रीपर भी स्पॉन हो सकते हैं। वैसे ये मेरे गेट यहाँ पर, अच्छा मैंने ये गलती से चला गया, चलो मिल गया, इन फ्यूचर मुझको काम आएगा। फाइनली वैसे घर पूरा कंप्लीट हो गया, जो थोड़ा बहुत बचा होगा तो उसको मैं अभी थोड़ा सा चेक करके हटा दूंगा। वैसे आई होप वीडियो भी अच्छी बनी है, घर भी तो बहुत सही बना है, तो आपको घर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। और 9 तारीख की जो हमारी सीरीज आने वाली है उसको बिल्कुल मिस ना करिएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।